नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के कब्रगांव में हलचल तेज हो गई है। मेल फीमेल मुर्दों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि खुद उनके अपनों ने कब्रों पर ताले जड़ दिए हैं, यानी मुसीबत दोनों तरफ से आई है। मुर्दे न बाहर भाग सकते हैं और ना ही जमीन में नीचे सरक सकते हैं। जिन्हें आज तक ये उदाहरण नहीं मिला था कि मुर्दे की जान कैसे खतरे में आती है, वे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में कब्रों पर लगे तालों की इन तस्वीर से समझ सकते हैं। पाकिस्तान के मुल्ला हूरों के लिए सुसाइड बॉम्बर से लेकर किसी का सिर कलम करने तक से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन आजकल हूरों के तबेलों में मारामारी और भगदड़ के हालात बने हुए हैं। इराक, लीबिया, सूडान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलिस्तीन से हजारों जाहिल लाइन में लगे हुए हैं। 72 हूरों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस आपदा का मुकाबला कैसे किया जाए, पर पाकिस्तान के मुल्ला जुगाड़ी हैं और उन्होंने हूरों का विकल्प कब्रिस्तान में तलाश कर लिया है। पड़ोसी मदरसा मुल्क में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। यह वे आंकड़े हैं जो सड़कों, जंगलों और घरों में होने वाली घटनाओं से संबद्ध है, पर आने वाले दिनों में कब्रों में लेटी महिलाओं के आंकड़े भी पाकिस्तान में बताए जाएंगे। मदरसा पैदाइश की अय्यास प्रवृत्ति का सुनहरा अध्याय अब कब्रिस्तानों में तैयार हो रहा है। हूरों के तबेलों में मची आपाधापी के चलते अय्यासी मुल्लाओं ने कब्र में पड़ी महिलाओं की बॉडी को अपनी हवस का साधन बना लिया है। हालात यह कि लोग अपनी मृत महिला और बेटी की कब्रों पर ताले लगाने को मजबूर हो गए हैं। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान के जाहिल बेकाबू हो चुके हैं। यह स्थिति तब है जब खाने को दाने नहीं है और सिर ढकने को आसमाने नहीं है, पर मस्त मुल्ला होने का इनका जज्बा शिखर पर पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि महिलाएं घर हो या बार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यूं भी ये पाकिस्तानी जाहिल अपनी बहन को ही बहन नहीं समझते हैं, फिर कब्र में पड़ी मुर्दा महिला से क्या रिश्ता निभाएंगे। पाकिस्तान के लाहौर में ही सिर्फ हीरा मंडी नहीं है, बल्कि अब हर कब्रिस्तान में ऐसी मंडी विकसित हो गई है। इस मदरसा मुल्क में मरने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ही देखी जा सकती है। साल 2019 में कब्र की देखभाल करने वाले एक युवक रिजवान ने 48 मरी महिलाओं के संग दुष्कर्म करने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि रिजवान के इस रिकॉर्ड पर गधैया नृत्य करने वाले मुल्लाओं ने यह संख्या 200 से ऊपर बताई थी। पर यह पाकिस्तान का अकेला रिजवान नहीं है जिसने हूरों के विकल्प के तौर पर नई खोज की है। देश के तमाम कब्रिस्तानों में मर्त महिलाओं की कब्रों पर लगे ताले साबित करते हैं कि पाकिस्तानी मुल्लाओं की हवस प्रवृत्ति किस उफान पर पहुंची हुई है। मरे लोगों के साथ यौन संबंध को ग्रीक में नेक्रोफिलिया कहा जाता है, जिसमें नेक्रो का अर्थ सब और फिलिया का मतलब प्यार होता है। पर पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया नहीं चल रहा है, बल्कि हवस के मारे मुल्ला बेचारे का खेल चल रहा है, जहां पर न बच्चे सेफ है और न ही मुर्दे सुरक्षित है। यही वजह है कि पाकिस्तान की रेपिस्ट कौम को बेटी की लाश की सुरक्षा के लिए अब कब्र पर भी लोक लगाना पड़ रहा है। सामाजिक संगठनों की माने तो पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई है। अब उन कब्रों के रेट भी तय होने लगे हैं जहां मर्त महिलाओं को दफन किया जाता है। यह तमाम सौदेबाजी हीरा मंडी के स्टाइल में होती है, यानी मृतक महिला की उम्र और उसके घराने के हिसाब से मोल भाव किया जाता है। इस दलाली में कब्र गांव की रखवाली करने वाले और कब्र खोदने वाले लोग भी शामिल हैं, जिन्हें मर्त महिला की पूरी जानकारी होती है। खास बात यह है कि महिला को कब्र से निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की व्यवस्था होती है। यह सारा कारनामा रात के वक्त अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद सब को वापस लाकर फिर से कब्र के हवाले कर दिया जाता है। जितनी ताजा बॉडी होती है और लड़की की उम्र जितनी कम होती है, उसके दाम उतने ही ऊंचे होते हैं। कहा जाता है कि यह दाम 5000 पाकिस्तानी रुपए तक हो सकते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में मुर्दा महिला के साथ गैंगरेप तक को अंजाम दिया जाता है। साल 2019 में कराची के लांधी में एक कब्र से लड़की की लाश निकालकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, पर हवसी मुल्ला कभी नहीं पकड़े जा सके। साल 2014 में सिंध प्रांत के थट्टा जिले के गांव अशरफ चांडियों में दफन की गई एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। उसे दफनाने की रात में उसके साथ रेप हुआ था। 2013 में गुजरावाला के किला दीदार सिंह के कब्रिस्तान में एक लड़की के शव के साथ पाकिस्तानी मुल्लाओं ने हवस का खेल खेला था।
पर पाकिस्तानी जाहिलों का यह हैवानी चेहरा हैरान नहीं करता है। ये गंदगी इनके डीएनए में भरी पड़ी है। खून के रिश्ते ही इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मुर्दे से यह रिश्ता निभाएंगे इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।